solve 3x minus 5y is equal to 16 and x minus 3y is equal to 8 by substitution method. Konsa method? Substitution method. तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3x minus 5y is equal to 16. ये क्वेश्चन नंबर 1. x minus 3y is equal to 8. ये क्वेश्चन नंबर 2. अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना कोई भी ऑर्डर में चलेगा, समझ आए? अभी देखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन सिंपल है वो देखो, इक्वेशन 2. अगर दोनों हार्ड रहेंगी तो कोई भी इक्वेशन ले लो, दोनों भी दोनों में से सिंपल कौन है? ये क्यों सिंपल है? यहाँ पे x के पास नंबर नहीं है, तो मैं जो x के पास नंबर नहीं मैं वो वाली इक्वेशन ले रहा हूं. तो मैं लिख के बताऊंगा, इक्वेशन 2 इज, कौन सी इक्वेशन 2 है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. अब मैं इसको या तो x में फ्रेम करूंगा या तो y में भी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा. एक तो y के पास नेगेटिव नंबर है और दूसरा है ना y के पास नंबर भी आ रहा है 3, तो तुमको 3 को उधर भेजना पड़ेगा डिवाइड. तो सब में बेस्ट ये होगा कि तुम काय में कन्वर्ट करो, x में. x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y रहेगा तो क्या बनेगा? प्लस 3y. अगर x के पास कोई नंबर होता ना तो वो नंबर है ना होल अपॉन नीचे आ जाता था. फिलहाल x के पास नंबर नहीं है तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 3. क्या बन गया? 3. अब ये जो वैल्यू मिली ना x की, वो इक्वेशन 2 में मत भरो, क्योंकि इक्वेशन 2 को तुमने 3 बना दी. इक्वेशन 2 को तुमने चेंज करे ना, जो इक्वेशन को टच नहीं करे, कौन सी इक्वेशन टच नहीं करे? 1. तो ये जो x की वैल्यू है ना वो इक्वेशन 1 में भर दो. x की वैल्यू काय में भरो? 1 में. 2 में क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि 2 को तो तुमने क्या बना दिया? 3. तो जो इक्वेशन 3 बनी उसको काय में भर दो? इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 2 में नहीं, क्योंकि इक्वेशन 2 को तुमने चेंज करके क्या बना दिया? 3. तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में भरेंगे. तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. Substituting this value of x in which equation? Equation 1. Equation 1 कौन सी है वो लिखे बताओ. 3x minus 5y is equal to 16. ये equation है. अब चलो x की value भरेंगे. 3 की जगह पे 3 bracket. x की जगह पे क्या आएगा? 8 plus 3y. 3 की जगह पे 3. क्यों bracket लिखाओ? क्योंकि 3 और x के बीच में कौन है? Multiply. x की जगह पे 8 plus 3y minus 5y is equal to 16. Open करो. 3 8 जा 24 प्लस 3 3 जा 9y माइनस 5y इज इक्वल टू 16. 24 ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस 9 माइनस 5 4y बड़ा मतलब 9 उसकी साइन है प्लस इक्वल टू 16. पॉजिटिव 4y अपनी जगह पे 6 16 प्लस 24 देगा तो माइनस 24. 4y is equal to 16 में से 24 गया 8, बड़ा नंबर 24 है उसकी साइन है माइनस. y is equal to minus 8 upon 4, 4 1 जा 4 2 जा. y is equal to minus 2. क्या x मिला अभी तक? नहीं. अभी ये जो y की वैल्यू मिली ना वो काय में भर दो? इक्वेशन 3. ठीक है, तुम इक्वेशन 3 का काम अभी कर दो तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा? x. आखिरी में कभी भी कौन से इसमें भरेंगे? 3 में. सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to minus 2 in equation, कौन सी equation में भरेंगे? 3. Equation 3 क्या है? x is equal to 8 plus 3y. y की जगह पे minus 2. Plus minus 3 2 जा 6. 8 minus 6 2. बड़ा नंबर 8 है उस साइन है plus. Therefore x is equal to minus 2 and y is equal to 2. अपना एक मिनट. हाँ, ये क्या मिस का आर x is equal to 2 है, मैंने माइनस 2 लिखा. x की वैल्यू ये, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू माइनस 2. therefore x comma y 2 comma minus 2 is the solution of the given simultaneous equation.